वालेकुम सलाम यस जी, मैं आ रही है। जी वालेकुम सलाम मैम। मैम, आवाज आ रही है? यस मैम, जी मैम आ रही है आवाज। चले। अच्छा, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है उनका एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन था। इंफ्लेमेशन होता है कि जब आपका जो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनका रिस्पॉन्स होता है टू सर्टेन स्टिमुलाय। जो स्टिमुलाय, फॉर एग्जांपल कोई ट्रॉमा हुआ, और वो ट्रॉमा फिजियोलॉजिकल ट्रॉमा कोई भी हुआ, फॉर एग्जाम्पल अपने अपनी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट जिस पर फिजिकली अटैक हुआ है, मारा है, तो ट्रॉमा हो गया है, या फिर केमिकल की वजह से ट्रॉमा हो गया, फिर रेडिएशन की वजह से हो गया, तो जो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्स होगा उसको हम इंफ्लेमेशन करेंगे। अब इंफ्लेमेशन जो होता है उसके आगे सिम्टम्स होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स, उसमें रेडनेस हो जाती है, ब्लड रेडनेस हो जाएगी, पेन होगा उसमें। उसके अलावा वहाँ लोकली उस जगह पर जहाँ ट्रॉमा हुआ है वहाँ वो फंक्शन लॉस हो जाएगा। उसके अलावा वहां पर जो स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। अब हुआ होता है ये कि पेन जो स्वेलिंग होती है वो इसलिए होती है कि जब कोई इंफ्लेमेशन बेसिकली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है और इंफ्लेमेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज भी कर रहा है। इन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इस तरह के, उस वक्त डिफेंस मैकेनिज्म वहां आ जाता है जो कि इंफ्लेम्ड साइट होती है जहां पर इंफ्लेमेशन होती है। डिफेंस मैकेनिज्म में लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स वगैरह है, वो सर्कुलेशन ब्लड के अंदर सेल्स जो होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स दोनों होते हैं। अब WBC जो होते हैं उनको सिग्नल्स पहुंचते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो गई, यहाँ ट्रॉमा हुआ है, या कोई पैथोजन आ गया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, तो वो फौरन उस जगह चले जाते हैं। तो जो है इस प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है कि उसके बाद ब्लड वेजल्स जो है उनकी डायलेशन शुरू हो जाती है, ब्लड वेजल्स डायलेट हो जाएंगी, वहां पर जो कैपिलरीज होती है उनके अंदर गैस जनरेट हो जाते हैं जिसके अंदर से WBCs चले जाते हैं जहां पर लोकल साइट एरिया पर जहाँ इंफ्लेमेशन हुई हो। तो इंफ्लेमेशन में डायलेशन ऑफ ब्लड, जब ब्लड वेजल्स हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, तो क्या होता है वहां पर एक तो रेडनेस शुरू हो जाती है उसकी वजह से। दूसरा ये होता है कि जो एडिमा इसलिए होता है कि वेस्कुलर परमेबिलिटी ज्यादा हो जाती है उस जगह पर, वेजल्स उनमें जो फ्लूड होता है वो बाहर टिश्यूज में जाना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वो स्वेलिंग कर देता है, वेजल से निकल के वो टिश्यूज में जाता है, स्वेलिंग करता है। इसी तरह राइज इन टेम्परेचर हो जाता है, वो हॉटनेस हो जाती है उस जगह, वो गर्म हो जाती है उस जगह। तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है एंटी इंफ्लेमेटरी इनका इफेक्ट है कि इन्फ्लेमेशन को वो रोकता है ताकि डिस्ट्रक्शन ना, डैमेज ना हो जाता। तो इसके अंदर था ये वाली स्लाइड, इसमें ये लिखा हुआ है कि इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ये पैथोजेंस के अगेंस्ट अगर इन्फ्लेमेशन हुए हैं, सर्टेन केमिकल्स, फिजिकल या इम्यून मीडिएटेड स्टिमुलाय है, या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया, कोई बॉडी ने बहुत ज्यादा किसी अनहार्मफुल चीज के अगेंस्ट इतना ज्यादा एग्रेसिव इम्यून सिस्टम हो जाता है इतके, वो उसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं कि वो अपना रिएक्शन इतना एग्रेसिव शो करता है। तो एलर्जी रिएक्शंस में इन सब में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। अंडरलाइंग कॉज ऑफ डिजीजेस इज नॉट कोरेक्टेड, रिडक्शन इन कार्डिनल साइंस ऑफ इंफ्लेमेशन, जो रेडनेस हो जाएगी, जो राइज इन टेम्परेचर हो जाएगा, स्वेलिंग एडिमा हो जाएगा वहां पर, और फंक्शनल लॉस हो जाएगा वहां पर, पेन हो जाएगी, ये सारे कार्डिनल साइंस हैं जिनको, इंफ्लेमेशन के साइंस हैं जिनको रिड्यूस कर देगा, सिम्टम्स रिड्यूस कर देगा, लेकिन अंडरलाइंग कॉज खत्म नहीं करेगा। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स आर नॉन स्पेसिफिक एंड कवर्स ऑल कंपोनेंट्स ऑफ इंफ्लेमेशन। जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं एक तो उनकी ये क्या करेगा, इंफ्लेमेटरी साइट्स पर ल्यूकोसाइट्स को इनहिबिट करेगा, कोई ना आए, न्यूट्रोफिल्स के इंक्रीज कर देगा और उनकी एक्टिविटी को जो है नहीं होने देगा, इंफ्लेमेशन नहीं होने देगा। मैक्रोफेजिस अच्छा ये क्या करेगा कि एरेक्टोनिक एसिड पाथवे के थ्रू जो वो था एक सारे जो इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जैसे प्रोस्टाग्लैंडिंस, ल्यूकोटाइन्स, प्लेटलेट्स, एग्रीगेटिंग फैक्टर्स, सिंथेसिस, इन सब को ये रिड्यूस कर देगा, इंफ्लेमेशन को कम करेगा। तो इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स जितने भी एरेक्टोनिक पाथवे के थ्रू हो रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिंस वगैरह जो रिलीज हो रहे हैं उनको ये जो है सप्रेस करेगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है उनको इनहिबिट करेगा।
फिर डिक्रीज करता है रिक्रूटमेंट ऑफ WBCs एंड मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस. मोनोसाइट्स होते हैं जब ये ब्लड के अंदर होते हैं सेल्स, जब ये टिश्यूज में चले जाते हैं इन्फ्लेम टिश्यू के अंदर तो मैक्रोफेजेस होगा. तो अगर हम ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे रहे हैं तो वो इनको रिड्यूस करते हैं कि इन अच्छा रिड्यूस करेगा WBCs को मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजेस को इनटू द अफेक्टेड एरिया एंड इलेबोरेशन ऑफ कीमोटैक्टिक सब्सटेंस. कीमोटैक्टिक सब्सटेंस होते हैं जो सिग्नल्स देते हैं कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसको फॉलो करते हुए जो है वो WBCs ल्यूकोसाइट्स वगैरह आ जाते हैं. तो उसको कीमोटैक्सिस को भी कम कर देगा. लाइपोकॉर्टिन जो है उसको इंक्रीज करेगा, जो कि ये लाइपोकॉर्टिन जो है डिक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिंस ल्यूकोटाइन्स एंड प्लेटलेट्स एग्रीगेटिंग फैक्टर. तो इस तरह जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं उनका इफेक्ट ये होता है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोटाइन्स एंड प्लेटलेट्स एग्रीगेटिंग फैक्टर जो एरेक्डोनिक पाथवे के थ्रू बनते हैं, फॉस्फोलाइपेज वगैरह फॉस्फोलिपिड ए उसकी ब्रेक डाउन होती है जो इन मेडिएटर्स बनते हैं उनको ये कम करता है. नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ कॉक्स टू डिक्रीज इंड्यूसेबल प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन, प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा, इंड्यूस करेगा कि वो कम हो जाए. इंड्यूसेबल प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन. नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ द जीन्स इन साइटोकाइंस. अभी माइक्रोफेजिस जो होते हैं वो साइटोकाइंस यानी सिग्नल्स रिलीज करते हैं. ऐसी जीन्स जिन जो साइटोकाइंस को रिलीज कर रही है प्रोड्यूस कर रही है उनको ये रिड्यूस करेगा ताकि सिग्नल ही ना मिले बॉडी को. अच्छा, नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ द जीन्स इन साइटोकाइंस ऑफ मैक्रोफेजेस एंडोथेलियल सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स. प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 1, 2, 3, 6 TNF अल्फा ये मैक्रोफेजेस रिलीज करते हैं सारे साइटोकाइंस. इनको ये क्या करता है कम कर देता है क्योंकि ये इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस इंफ्लेमेशन करते हैं. तो ये जो TNF अल्फा है और जो ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर इनको रिड्यूस करेगा. फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन एंटी लिम्फोसाइट्स फंक्शंस इनको रिड्यूस करेगा और इंटरफेयर करेगा विद डिक्रीज वही कीमोटैक्सिस को कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस को रिड्यूस कर रहा है. तो बेसिकली साइटोकाइंस के रिडक्शन के थ्रू प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह के रिडक्शन के थ्रू और जो इस जितने भी ये टी लिम्फोसाइट सेंसिटाइजेशन रिड्यूस करके ये क्या कर रहा है कि ये जो है वो इंफ्लेमेशन को खत्म कर रहा है कम कर रहा है एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट इसका. एनी क्वेश्चन? नो मैम. अच्छा, फिर जब सेल्स जो होते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो है रोल होकर WBCs जा रहे थे इंफ्लेमेटरी साइट्स पर और जहां पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके साथ एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके साथ ब्लड सेल्स जो है सेल्स के ऊपर भी एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं. दोनों मिलते हैं उसके बाद जो कैपिलरीज के दरमियान गैप होता है उससे स्क्वीज आउट होकर जो है WBCs और ल्यूकोसाइट्स इन्फ्लेम्ड एरिया पे जाते हैं. सबसे पहले न्यूट्रोफिल जाते हैं और वो चाहते हैं जहां पर किलिंग अगर कोई पैथोजन आ गया तो उसकी किलिंग करें. तो ये जो है लिखा हुआ है इन एंडोथेलियल सेल्स एंडोथेलियल ल्यूकोसाइट्स एडिशन मॉलिक्यूल्स एंड अदर CAM ये इंट्रासेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जो सेल्स के ऊपर WBCs या ल्यूकोसाइट्स के ऊपर होंगे और जो एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर होंगे दोनों के मॉलिक्यूल्स को ये इनहिबिट करता है ताकि जो सेल्स हैं ल्यूकोसाइट्स ना वो रोल होंगे ना वो मूव आउट होंगे कैपिलरीज से सर्कुलेशन से वो टिश्यू की तरफ नहीं जाएंगे. रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम बेसोफिल्स इज इनहिबिटेड. अब क्या होता है बेसोफिल सेल्स वगैरह जो होते हैं वो हिस्टामिन रिलीज करवाते हैं जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको भी रिड्यूस कर देता है. डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कोलेजिनेज, कोलेजिनेज एंजाइम की भी रिडक्शन करेगा ताकि प्रिवेंट करता है टिश्यू डिस्ट्रक्शन ना. उसके अलावा डिक्रीज ऑस्टियोपोरोसिस में, ऑस्टियोपोरोसिस का ये रिस्पेक्ट ऑस्टियोपोरोसिस ये कॉज करेगा वो किसका करेगा कि फंक्शन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट को रिड्यूस करेगा और इंक्रीज करेगा ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को. तो ये ऑस्टियोपोरोसिस जो हो जाता है बोन्स वीक हो जाती है, बोन्स का फ्रैक्चर हो जाता है उसके अंदर जो है उसको ये ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करेगा. ये डिक्रीज्ड इम्यूनोग्लोबुलिन जी प्रोडक्शन उनको डिक्रीज करेगा. डिक्रीज जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड नाइट्रिक ऑक्साइड.
ऑल टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन जो है उनको ये कम करता है. उसके अलावा अगर हाई डोज में दिया जाए तो इंटरफेयर विद ऑल स्टेप ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स. इसका फंक्शन ये होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करेंगे, कम करेंगे. कॉजेस ग्रेटर सप्रेशन ऑफ सेल मीडिएट इम्यूनिटी, ग्राफ्ट रिजेक्शन एंड डिले हाइपर सेंसिटिविटी. डिले हाइपर सेंसिटिविटी होता है जो 12 to 72 hours के अंदर रिएक्शन शो करती है बॉडी अपना. अगर कोई ग्राफ्ट वगैरह दे दिया जाए तो ये बेसिकली ये कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है जो टी सेल्स डिपेंडेंट होती है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी. तो ये बाकी जो हाइपर सेंसिटिविटी की चार टाइप्स होती है, जो तीन होती हैं वो एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है, उनमें एंटीबॉडीज का रोल होता है ये. लेकिन ये जो लास्ट वाली होती है टाइप 4, इसमें सेल मीडिएट इम्यूनिटी होती है. जब आपको ग्राफ करेंगे तो जो सेल्स मैक्रोफेजीज या डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं वो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टी सेल्स को कि नई चीज आ गई है, तो ताकि बॉडी रिएक्ट करे. तो जो टी सेल्स हैं वो सेंसिटाइज्ड हो जाते हैं, वो रिएक्शन शो करना शुरू कर देते हैं, वो और साइटोकाइंस रिलीज करना शुरू कर देते हैं. और तो इस इम्यून रिस्पॉन्स को कम करने के लिए जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, ये सप्रेस कर देते हैं इम्यून रिस्पॉन्स. इसी तरह ताकि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो, जो होस्ट के अंदर जब आपने एक टिश्यू किसी हेल्थी बंदे से लेकर डोनर से लेकर रेसिपियंट को दिया है तो टिश्यू रिजेक्शन ना हो, बॉडी उसको शो ना करे उसके पीस पार्ट को कोई छोटा सा लेकर कि ये देख के सेल बताए ना, कि ये सिग्नल्स ना दें कि ये कोई फॉरेन सब्सटेंस आ गया. डिक्रीज एंटीजन एक्सप्रेशन फ्रॉम ग्राफ्ट टिश्यू, वही बात जो है कि डिक्रीज कर देगा, एक्सप्रेस नहीं करेगा उसको ग्राफ्ट टिश्यू. डिले रीवैस्कुलाइजेशन, डिक्रीज सेंसिटाइजेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स को सेंसिटाइज किया देता ताकि वो उनकी प्रोलिफ्रेशन ना हो, वो उनकी तादाद ना बढ़े, वो किलिंग ना करें, मजीद साइटोकाइंस नहीं रिलीज होने देता. थेरापिटिकली गिवन बाय वेरियस रूट्स ओरली, इंट्रामस्कुलरली, इंट्रावीनसली. हाइड्रोकॉर्टिसोन अंडरगोज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है कि जब कोई ड्रग थ्रू जीआईटी के रूट के थ्रू या ओरली जब जाती है तो जीआईटी के एंजाइम्स या फिर जो लिवर होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करेगा, यानी वहां उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, उसको एक्टिव उसकी वो चाहता है कि वो एक्सक्रीट हो जाए, आउट हो जाए बॉडी से. ओरल बायो अवेलेबिलिटी ऑफ सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इज हाई. ओरली अगर आप देंगे ड्रग्स तो क्या होगा, इनकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है. बायो अवेलेबिलिटी होता है वो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो कि अनचेंज फॉर्म में डायरेक्टली ब्लड में पहुंच जाए, मेटाबॉलिज्म जिसकी ना हो, जो डायरेक्टली जिसमें कोई चेंज ना हो. बोथ एंडोजीनियस एंड थेरेप्यूटिकली एडमिनिस्ट्रेड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर बाउंड टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन. ये जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ बाइंड रहती है. अच्छा, सिंथेटिक स्टेरॉइड्स हैव टू अंडरगो रिडक्शन इन लिवर टू एक्टिव कंपाउंड्स. ये लिवर के अंदर, लिवर जो होता है उसके अंदर एक पूरा एंजाइम सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये एक्टिव कंपोनेंट्स में चेंज होता है, एक्टिव कंपाउंड बन जाता है. और लिवर के अंदर जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स का एक पूरा नेटवर्क होता है वो इसकी इसको मेटाबोलाइज करवाता है. और फिर मेटाबोलिज्म का फायदा ये होता है कि उसकी एक्सक्रीशन होती है और वो मेडिसिन जो भी ड्रग दी हुई होती है वो यूरिन के थ्रू निकल जाती है. एक्सोजीनियसली एडमिनिस्टर्ड हाइड्रोकॉर्टिसोन हैज अ हाफ लाइफ, ये हाफ लाइफ इसकी बताई हुई है कि 1.5 आवर है. स्टेरॉइड प्रिपरेशन क्या है कि आइडियली जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो वही अपना फंक्शन करे, कॉर्टिसोल प्रोडक्शन और मिनरल कॉर्टिकॉइड की एक्टिविटी ना होने के अंदर. स्ट्रक्चरल चेंजेस टू द बेसिक कॉर्टिसोल मॉलिक्यूल रिजल्टेड इन अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मिनिमल मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होनी चाहिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की. ग्रेटर पोटेंसी होनी चाहिए, ग्रेटर पोटेंसी ये कि जितनी डिजायर्ड रिजल्ट्स जो है लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग में हमें हासिल हो जाए, यानी थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन ड्रग की देंगे तो उससे हमारे अप टू द मार्क जो डिजायर उसके एक्सपेक्टेशंस की या ड्रग की वो पूरी हो जाए थोड़ी सी क्वांटिटीज देने से. लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होनी चाहिए. ये एग्जांपल्स दी गई हैं जो इंजेक्टेबल फॉर्म की, ओरली, टॉपिकली और इनहेलेशन. बीटामेथासोन, प्रीडनिसोलोन. बीटामेथासोन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये टॉपिकली भी अप्लाई करते हैं. Therapeutically uses a number of diverse disease states response to glucocorticoids. Physiologic doses of corticosteroids are used for replacement therapy.
प्राइमरी एंड सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसीज, प्राइमरी जो भी उसे एडिसन्स डिजीजेस भी कहते हैं, प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसीज होती है कि जो एड्रीनल ग्लैंड है वो डैमेज हो गया, तो अब वो जो है वो हार्मोन प्रोडक्शन नहीं कर रहा। और सेकेंडरी डेफिशिएंसीज वो होंगी इनसफिशिएंसीज, सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसीज जिसके अंदर पिट्यूटरी लेवल के ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड पर डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से वो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा था। बेसिकली ये होता है कि हाइपोथैलेमस था, हमने पढ़ा था, जो कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन रिलीज कर रहा है और वो पिट्यूटरी के ऊपर जाकर मैसेज दे रहा है कि एड्रीनल कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन रिलीज किया जाए ACTH, और फिर वो ACTH जो है वो एड्रीनल ग्लैंड को कह रहा था कि हार्मोन रिलीज किया जाए। और हमने पढ़ा था कि एड्रीनल ग्लैंड की तीन लेयर्स होती हैं, कॉर्टेक्स की और एक मिडल्ला होता है जिसके जो फिर हार्मोन रिलीज करवाते हैं। तो ये बताया हुआ है कि प्राइमरी में एड्रीनल ग्लैंड के लेवल के ऊपर जो डैमेज हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुई है, और सेकेंडरी में पिट्यूटरी पर हुई है, और टर्शरी लेवल पर हाइपोथैलेमस में होती है, समटाइम्स सेकेंडरी के अंदर ही पिट्यूटरी लेवल भी कह दिया जाता है। अच्छा, सुप्रा फिजियोलॉजिक डोज यानी लार्ज अमाउंट ऑफ द डोज आर यूज्ड फॉर देयर एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स। अगर अर्थराइटिस है, एस्मा है, एस्थमा एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस, इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिजीजेस दोनों आ जाती हैं, तो सुप्रा फिजियोलॉजिक डोजेस दी जाती हैं, ज्यादा अमाउंट में दिया जाता है टू गेट इट्स एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जिनके ट्रांसप्लांट्स होते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या कोई भी ट्रांसप्लांट हो, उसमें लाइफ टाइम जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पर इन कम्बिनेशन में दी जाती है, उन ड्रग्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अच्छा, अब रिप्लेसमेंट थेरेपी कब दी जाएगी, जब एड्रीनल इनसफिशिएंसीज होगी, इधर एड्रीनल इनसफिशिएंसीज विल बी एक्यूट और क्रॉनिक। अच्छा, अब कब कब हो सकता है कि एब्रप्ट विड्रॉल ऑफ स्टेरॉइड थेरेपी, हमेशा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उनको टैपर किया जाता है, मैंने हमेशा बताया कि उनको थोड़ी 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 कम डोज की जाती है, पहले ज्यादा होती है फिर कम होती है फिर कम होती है, टैपर करते हैं। एब्रप्ट विड्रॉल होगा कि अचानक हटा दिया और अर्ली स्टेजेस पर हटा दिया, तो उससे क्या होगा कि वो सिम्टम्स दोबारा उसके आ जाएंगे एग्रेसिव होकर। तो क्रॉनिक इन्फेक्शन ट्यूबरक्लोसिस इज वन ऑफ द कॉज, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, इसमें बड़ा इसका रोल है। उसके अलावा ऑटोइम्यून एड्रीनल डिजीजेस में देंगे, कोई सर्जरी हुई है, एड्रीनल ग्लैंड वगैरह डैमेज हो गया, हेमरेज एंड एड्स, इनमें सारों में ये देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अच्छा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जहाँ हमारा एंटी इंफ्लेमेटरी था, तो ये क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा था, टी लिम्फोसाइट्स को कुचा रहा था कि वो अपना सेंसिटाइज ना, उनको डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। उसके अलावा इंफ्लेमेटरी साइट्स पर सारे जितने ल्यूकोसाइट्स वगैरह थे उनको इनहिबिट कर रहा था, तो उसकी वजह से ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कॉज करता है। अब जैसे वायरल इन्फेक्शन होगा या जो फंगल इन्फेक्शन होंगे, उनके ऊपर टी सेल्स होता है, जब वायरस के बॉडी में एंटर होता है तो टी सेल्स होते हैं जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, उनकी किलिंग करते हैं, और वो इतने साइटोकाइन्स टी सेल्स रिलीज करते हैं, और दूसरे जो सेल्स होते हैं जैसे नेचर किलर सेल्स, वो वहां पर आ जाते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स उनको बुला लेते हैं, तो उससे वो बहुत ज्यादा जो है इसको किल कर देते हैं वायरस को किसी को भी। अब जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटीवायरल थेरेपी में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर वायरस को किल करना हो टी सेल्स चाहिए होंगे, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो टी सेल्स के इफेक्ट को कम करता है, लिम्फोसाइट्स को डिफेंसिव मैकेनिज्म को कम कर देता है। अच्छा, कॉन्जेनिटली जो है कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ये जो 21 हाइड्रोऑक्सिलेज एंजाइम है, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल रिलीज करवाता है, तो ये जो 21 हाइड्रोऑक्सिलेज एंजाइम की कॉन्जेनिटली डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये एंजाइम रिलीज नहीं होता, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज नहीं होता, लेकिन एंड्रोजन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है इसमें। अब ये सारे वो थे कि जब हमने इन ये वो केसेस थे जिसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हैं बाहर से, इनको इंजेक्ट कर रहे हैं, और इस तरह देंगे एड्रीनल इनसफिशिएंसीज जब हो जाएंगी, तो हम इंट्रावीनस रिप्लेसमेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड एल्डोस्टोन अगर है वो नहीं प्रोड्यूस कर रहा, तो ये सारी एड्रीनल इनसफिशिएंसीज जो हम बताया कि इंट्रावीनसली क्या देंगे,
क्रॉनिक एड्रीनल इंसफिशिएंसीज है तो हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे, पीडेनिसोन देंगे, डेक्सामेथासोन देंगे, कॉन्जेनिटल हो गया तो हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे, और इसको अगर डोज हमें ज्यादा देनी है तो हम मेंटेनेंस डोज देंगे, थोड़ी 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 करके देंगे. एंटी इंफ्लेमेटरी यूजेस रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देंगे अलॉन्ग विद द एनसेड्स, ये एज एन एडजुवेंट काम करेगा, थोड़ा थोड़ा रिलीज होगा, तो इन कॉम्बिनेशन विद एनसेड्स देंगे. ऑस्टियोआर्थराइटिस में एनसेड्स इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन के तौर पर देंगे. रूमेटिक फीवर जब हमारे एंटीबॉडीज हमारे हार्ट के टिश्यूज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम खुद ही बनाना शुरू करते हैं तो उन केसेस में देंगे. कार्डाइटिस एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. उसके अलावा एनसेड्स फेल जब गाउट हो जाए, जो यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है, गाउट हो जाता है तो उसके अंदर दे देते हैं. पोलीआर्थराइटिस नोडोसा, इसके अंदर मीडियम आर्टरीज जो होती हैं किडनीज वगैरह की वो इंफ्लेमेशन हो जाती है, तो इसमें ये ज्यादातर हेपेटाइटिस बी में होता है पोलीआर्थराइटिस नोडोसा, उसमें भी इनके देते हैं. इंजेक्ट करते हुए बता रहे हैं कि कहाँ इंजेक्ट हो रहा है. कैन बी यूज इन इंफ्लेमेटरी नॉन इंफ्लेमेटरी डिजीजेस में नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, टेनिस एल्बो. टेनिस एल्बो जब आपका फोर आर्म के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड पड़ता है, लोड ओवरलोड हो जाती है, बहुत ज्यादा मूवमेंट्स होती हैं, तो नी उसका जो एल्बो पर इफेक्ट होता है तो उसको टेनिस एल्बो कहते हैं, इंफ्लेमेशन हो जाती है. कार्पल टनल सिंड्रोम जब मीडियल नर्व जो होती है उसकी वजह से हो जाती है, इसमें जो है उनको टिंकिंग सेंसेशंस वगैरह आती हैं. अच्छा, ऑटो इम्यून डिजीजेज जब हमारी अपनी ही इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे हेल्दी आरबीसीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देते हैं तो ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, आरबीसीज की ब्रेकडाउन हो जाती है, तो उसमें हम देते हैं. इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा जिसमें प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ब्रूजिंग होती है, ब्लीडिंग होती है. प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है ब्लीडिंग को रोकना, तो जब ये हो जाता है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उसमें भी देते हैं. एक्टिव क्रॉनिक हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, उसमें ये डोज लिखी हुई है कि प्री डेनिसोलोन 1 to 2 mg पर केजी पर डे देते हैं. ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा तो बच्चों में हो जाता है, प्लेटलेट्स की कम हो जाते हैं बच्चों में, कम होते हैं. अच्छा, उसके अलावा रेनल डिजीजेस, एसएलई हो गया, रेनल सार्कोइडोसिस और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये डिजीजेस हैं जिनमें हो जाता है. एसएलई के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है अगेंस्ट जो होता है किडनीज के अगेंस्ट, जॉइंट्स के अगेंस्ट, और ये ज्यादातर रिप्रोडक्टिव फीमेल एज में जब यंग फीमेल उसमें होता है ज्यादातर. और नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो प्रोटीन वगैरह निकलना शुरू हो जाती है, ये सारी रेनल डिजीजेज हैं. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जब ग्लोमेरुलाए जो है वो ब्लड को फिल्टर करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाए मेम्ब्रेनियस टाइप, ये साइड इनको हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस भी में भी इंक्लूडेड है. ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा उसमें साइक्लोस्पोरिन और एजाथियोप्राइन जो है ये दोनों ड्रग्स वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लोस्पोरिन और एजाथियोप्राइन, ये दोनों ड्रग्स जो इन कम्बिनेशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ दिए जाते हैं. फॉर प्रोलॉन्ग यूज प्रीडेनिसोलोन और मिथाइल प्रीडेनिसोलोन आर यूज्ड. इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, कैन बी इजिली टेपर्ड, इन ड्रग्स को इजिली हम टेपर कर देते हैं. और जब ये ड्रग्स जब पेशेंट काफी अर्सा हो जाता है कैन बी कन्वर्टेड टू एन अल्टरनेट रेजिम, यानी कि अल्टरनेटिव कुछ ड्रग्स साथ दे देते हैं जो कि उसको स्विच ऑन कर देते हैं दूसरी ड्रग के ऊपर, दूसरे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पर. फिर एलर्जिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें ही देते हैं एनाफाइलेक्सिस, न्यूरोटिक एडिमा एंड सीरम सिकनेस. एनाफाइलेक्सिस होता है कि जब आपने कोई चीज ली जैसे बी स्टिंग है या कोई चीज ऐसी फूड खा ली है जो कि जिसके अगेंस्ट एग्रेसिवनेस शो की है, विद इन मिनट्स जो है वो बॉडी ने अपना रिएक्शन शो कर दिया इम्यून सिस्टम में, तो एनाफाइलेक्सिस में होता है. एंजियोन्यूरोटिक एडिमा, लिप स्वेलिंग वगैरह हो जाती है इसके अंदर. सीरम सिकनेस हो गया, सीरम सिकनेस में होता है कि किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट वो एंटीजन हमने सीरम में देना है किसी एनिमल के, लाइक हॉर्स ज्यादा सीरम यूज करते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना दी. अब वो एंटीबॉडीज जो हॉर्स के सीरम में बनी थी वो एंटीबॉडीज हमने ह्यूमन बॉडी में डाल देती हैं, तो इससे सीरम, लेकिन पहले होता था इससे क्या होता था सीरम सिकनेस हो जाती थी, यानी उसके अगेंस्ट जो है
बॉडी अपने रिएक्शन शो कर देती थी, वो जो एंटीबॉडीज बनाई होती थी उन्होंने उसके अगेंस्ट जो है बॉडी अपना रैश वगैरह शो करती थी, रिएक्शन शो कर देती थी, तो ये सीरम सिकनेस थी. एड्रेनालिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन सच केसेस, एनाफाइलेक्सिस, एंजियोन्यूरोटिक एडिमा एंड सीरम सिकनेस. सीरम सिकनेस में बेसिकली हॉर्स सीरम के अंदर एंटीबॉडीज होती है जो कि ह्यूमन बॉडी में डाल दी जाती है. एलर्जिक डिसऑर्डर, सीजनल एलर्जीज, बी स्टिंग, ड्रग एलर्जीज, ड्रग के वजह से जो एलर्जीज होंगी, ये इन सारों में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाता है. इंट्रानेजली दिया जाता है एलर्जिक रिनाइटिस जिसे हे फीवर कहते हैं, ये दे दिया जाता है. इसमें जो है रनी नोज हो जाती है, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, एयर के अंदर जो है ऐसे एंटीजेंस होते हैं जिसको जिसके अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी जो है इम्यून सिस्टम जो है ओवर रिएक्ट हो जाता है. ये फिर एग्जाम्पल दी हुए ब्यूडास्टोनाइट एंड फ्यूमिसोलाइट. ब्रोंकियल एस्मा या एस्थमा जो होता है, द इंक्रीज रिकॉग्निशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल इंफ्लेमेटरी नेचर ऑफ ब्रोंकियल एस्मा हैज लेड टू द यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. एस्मा में बेसिकली एस्थमा जिसे कहते हैं या एस्मा कहते हैं उसमें ये देते हैं. इन सीवियर अटैक्स में ये एग्जाम्पल्स दी गए आगे, ये तीनों देते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन, मिथाइलप्रीडनिसोन. एक्यूट अटैक्स इनहेल्ड, ये बेक्लामेथासोन, ये सारी वो ड्रग्स हैं, इन कम्बिनेशन में देंगे बीटा टू एगोनिस्ट के. इप्राट्रोपियम, ये भी बीटा टू एगोनिस्ट है, उसके साथ इन कम्बिनेशन में ये सारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं जब एक्यूट एस्मा अटैक होगा. इन्फेक्शियस डिजीजेस फिर आगे बताई हुई है, इसके अंदर ये कि इंडिकेटेड ओनली इन सीवियर इन्फेक्टिव डिजीजेस, ये इन एड्स में न्यूमोसिस्टिस कैरोलाइन निमोनिया, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा जो मेनिनजाइटिस कॉज करता है, ये हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है जो कि मेनिनजीज को अफेक्ट करता है. न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करेगा, ट्यूबरकुलर मेनिनजाइटिस को रिड्यूस करेगा, लेप्रोमेटस लिप्रेसी, ये जो लिप्रा रिएक्शन लिखा हुआ स्किन रिएक्शन उसमें ये इफेक्टिव है. उसके अलावा ये सेप्टिसीमिया, ये एस सी लिखा हुआ, ये एस ई पी है सेप्टिसीमिया. ऑक्यूलर डिजीजेस, जब आंखों में एलर्जी, कॉन्जेक्टिवाइटिस, एराइटिस हो जाएगा, केराटाइटिस हो जाएगा, तो उसमें देते हैं. उसके अलावा सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स फॉर द पोस्टीरियर चैम्बर के लिए यूज होता है, ये क्वांटिटी उसकी डोज लिखी हुई है. डेक्सामेथासोन टॉपिकली 0.1, प्रीडनिसोलोन ओरली देंगे. कॉन्ट्राइंडिकेटेड फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जो होंगे उनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. वायरस मैंने बताया कि ये टी सेल्स जो है डायरेक्टली किल करता है, फंगल इन्फेक्शन में भी टी सेल्स का रोल होता है, तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में नहीं देनी चाहिए. इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. स्किन डिजीजेस में ये बताया हुआ है कि इसकी लार्जर एप्लीकेशन है, ये देंगे हम पेम्फिगस वल्गैरिस. स्किन बताया कि पेम्फिगस वल्गैरिस होते हैं जो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर या म्यूकस सरफेसेस के ऊपर, ओरल कैविटी में बन जाएंगे या स्किन पे बन जाते हैं. एक्सफोलिएटिंग डर्मेटाइटिस, जब जो स्किन होगी उसकी पीलिंग होना शुरू हो जाती है और डैमेज हो जाती है, ड्राई हो जाती है. उसके अलावा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये ड्रग की वजह से होता है. इन सब में क्या हो रहा है, स्किन की एलर्जीज बताएंगे कि जिनके अंदर जो ये देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की एप्लीकेशन है. इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलोन की डिजीजेस है, क्रोहन्स डिजीजेस और सिलिक डिजीज, जिसमें ग्लूटन, सिलिक डिजीज में ग्लूटन फ्री डाइट लेते हैं ऐसे लोग, क्योंकि ग्लूटन एक प्रोटीन है जो कि वीट, बार्ले, मेज वगैरह में होती है. तो जब ये प्रोटीन ले लेते हैं तो इसको जो है ना सेल समझते हैं कि ये कोई फॉरेन चीज आ गया, तो इसके अगेंस्ट भी रिएक्शन शो करते हैं सेल्स जो है. तो इसको कम करने के लिए, इसको जो है इसके लिए भी ग्लूटन फ्री डाइट फिर वो लोग लेते हैं. तो इन कंडीशन में भी स्टेरॉइड्स फिर उनके दिए जाते हैं. और ये लिखा हुआ है ओरल थेरेपी देते हैं, या तो ओरल ही देंगे या फिर रिटेंशन इनिमा विद हाइड्रोकॉर्टिसोन. मे मास्क द मेजर कॉम्प्लिकेशंस लाइक परफोरेशन एंड पेरिटोनाइटिस. फिर ये बताया हुआ है मेलेग्नेंसीज में, लिम्फोमास, ल्यूकीमियाज में बहुत इंपॉर्टेंट है. हार्मोन रिस्पॉन्सिव ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कार्सिनोमास, उनमें दिया जाता है ये.
symptomatic relief in other advanced malignancies by improving appetite, controlling secondary hypercalcemia. Cerebral edema. Cerebral edema due to tumors, usme traumatic and post stroke edema. Dexamethasone or betamethasone is preferred because no sodium retaining activity. ये जो है वो सेरिब्रल एडिमा में देते हैं. बेल्स पेल्सी में देते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस. अच्छा, बेल्स पेल्सी होता है कि जब हमारी जो फेशियल मसल्स हैं उनको अफेक्ट करती है मसल्स को, ये बेल्स पेल्सी. इसमें जो होता है फेशियल नर्व जो मसल्स को सप्लाई करती है वो फेशियल नर्व डैमेज हो जाती है. तो ये जो है उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं. उसके अलावा न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, इसमें यह होता है कि जो लोग ये पॉर्क खाते हैं पिग, उसके अंदर सिस्ट होती है टीनिया सोलियम पैरासाइट होता है, उसकी सिस्ट होती है जो कि ब्रेन, जब ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बींग लेता है तो वो ब्रेन में चल जाता है जब पॉर्क खाता है, ये उससे होती है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस. उसके अंदर ये इफेक्टिव है, प्रीडनिसोलोन देंगे ड्रग ऑफ चॉइस में. अदर यूजेस, एंटीमेटिक इफेक्ट, एक्यूट माउंटेन सिकनेस जब हाइट वगैरह पर जाते हैं तो नोजिया वॉमिटिंग वगैरह होती है उसको अवॉइड करिए. एस्पिरेशन निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा फ्रॉम ग्रोइंग, हाइपर थायराइडिज्म में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का रोल है थायराइड स्टॉर्म के अंदर. एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है कि जब एब्रप्टली विड्रॉ करेंगे तो ये एक तो ये कि क्रॉनिकली दे रहे हैं उसको बहुत अरसे से थेरेपी हाई डोजेज उसकी, तो ये एडवर्स इफेक्ट्स दो तरह से होते हैं, या तो विड्रॉल इफेक्ट है उसका, फौरन हटा दी है अर्ली, जल्दी हटा दिया, डोज टेपर नहीं की. डोज टेपर करने की वजह यह होती है कि एड्रीनल जो कॉर्टेक्स होता है कॉर्टिसोल प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो अगर हम बाहर से सिंथेटिकली प्रिपेयर करें तो वो उस पर डिपेंडेंट होता है, तो हम उस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए कि खुद काम करना आहिस्ता खुद काम करना शुरू कर दे तो हम डोज को टेपर करते हैं. लेकिन अगर हम एब्रप्टली हटा देंगे वो तो जाहिर है वो फौरन उसका इफेक्ट ही होगा कि वो उसके विड्रॉल सिम्टम्स हमें फिर मिलना शुरू हो जाते हैं. फ्लेयर अप ऑफ अंडरलाइन डिजीजेस, उसको बहुत ज्यादा बस्ट अप की तरह वो आएगी, अंडरलाइन डिजीजेस जो है वो एग्रेसिवली शो होगी. सप्रेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस एंड एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसीज, ये डैमेज हो जाएगा काम जो है विड्रॉ अगर हम फौरन कर देंगे तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस ये सप्रेस हो जाएगा, एड्रिनल इनसफिशिएंसीज हो जाएंगी. इंक्रीज ICT, ये मेरे ख्याल में इंड्यूस्ड कीमोथेरेपी इफेक्ट है. एंड पेपिलो एडिमा, कीमोथेरेपी लाइक इंड्यूस्ड एडवर्स इफेक्ट इसके उस तरह के हैं. एडवर्स इफेक्ट इससे थिनिंग ऑफ हेयर है, एक्नी है, मून फेस हो जाएगा, बुफेलो हम्प हो जाएगा, वर्टिगो, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, ग्लूकोज लेवल्स ब्लड के अंदर, कॉर्टिसोल जो था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज लेवल ज्यादा कर रहे थे, ब्लडेड विजन हो जाएगी, फीमेल बाल्डनेस हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर हो जाएगा, हेरिस्ट्रिज्म जो बाल बॉडी पर होने शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, कंजेनेटिव इंपेयरमेंट हो जाएगी. ये याद रखने जरा जरूरी एडवर्स इफेक्ट, इस पर कोई छोटा सा सिनेरियो टाइप इस तरह का कुछ आ सकता है. उसके अलावा वाटर रिटेंशन, अदर इम्पोर्टेंट एडवर्स इफेक्ट, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस कर देगा. फिर डायबिटीज मिलाइटिस, उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि ग्लूकोज लेवल से ज्यादा करता है. इन्फेक्शन काज करेगा क्योंकि इम्यून सिस्टम को स्प्रेस कर दिया है. पेप्टिक अल्सर्स, ब्लीडिंग एंड परफोरेशन, ऑस्टियोप्रोसिस करेगा, बोन फ्रैक्चर वगैरह करता है. कैल्शियम के लेवल्स को, कैल्शियम जो है उसको रिब्जॉर्प्शन नहीं करने देता कैल्शियम को. ऑस्टियोनिक्रोसिस इसका एक एडवर्स इफेक्ट है कि ड्यू टू सर्टेन ड्रग्स या डिजीजेस जो है वेस्कुलर सप्लाई जो कट ऑफ हो जाती है ब्लड सप्लाई, शदीद पेन होता है मसल्स के अंदर, ऑस्टियोनिक्रोसिस, मायोपैथी, मसल वीकनेस, कैटारैक्ट जो मोतिया जिसे कहते हैं, ग्लोकोमा यानी जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है, ऑप्टिक नर्व जो आई को ब्रेन से मिला रही है वो डैमेज हो जाती है ऑप्टिक नर्व. यहाँ पर जो वो होता है फ्लूड, आई के अंदर जो फ्लूड होता है उसका प्रेशर राइज कर जाता है.
बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं. अच्छा फिर ये बताया से नो टू एनी ड्रग फॉर्मुलेशन कंबाइंड विद स्टेरॉइड्स. हर ड्रग को स्टेरॉइड्स के साथ नहीं मिला सकते आप. रिमेंबर दिस स्टेरॉइड्स लाइफ सेविंग ड्रग्स है. कॉन्ट्राइंडिकेशन व्हेन यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस. पेप्टिक अल्सर्स है तो ब्लीडिंग ना कर दे. हाइपरटेंशन और डायबिटीज है तो उसमें इंक्रीज ना कर दे इनको. वायरल फंगल इन्फेक्शन को ये ज्यादा कर देगी अगर स्टीरॉइड्स दे दिए. उनमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है. ट्यूबरक्लोसिस और अदर डिजीज ऑस्टियोपोरोसिस जो इसके एडवर्स इफेक्ट है वो इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि अगर बंदे को हुई भी है ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह करा था वायरल इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन इन्फेक्शन कर रहा था ये बॉडी के अंदर तो ऐसी सिचुएशन में देनी. क्रॉनिक जो ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है या रेनल फेलियर किडनीज वगैरह. अच्छा चूजिंग अ स्टेरॉइड ये पॉइंट्स है जो याद रखने हैं. जब बेनिफिट रिस्क रेशियो इज अ मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन ड्रग विद प्राइमरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी आर यूज्ड. मिनिमल डोज टू अचीव द डिजायर यानी उसकी पोटेंसी हाई होनी चाहिए. कम डोज में ज्यादा जल्दी इफेक्टिव इफेक्ट्स आते हैं डिजायर इफेक्ट्स. टॉपिकल और लोकल थेरेपी इज प्रेफर्ड व्हेनेवर पॉसिबल. अच्छा क्योंकि कॉर्टिसोल हमने पढ़ा था दिन में इसके ज्यादा लेवल्स होते हैं तो इन ऑर्डर टू मिमिक द नॉर्मल डायअर्नल साइकिल एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ एड्रिनल सप्रेशन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड शुड बी गिवन इन द मॉर्निंग बिटवीन 6 to 10 AM. इसमें देनी चाहिए और सिंगल डोज ये ऊपर लिखा हुआ है सिंगल डोज में देनी चाहिए. अगर लार्ज डोज दे रहे हैं तो उसको मेंटेनेंस डोज रिड्यूस कर देना चाहिए. Large steroid doses are administered in dividing dose, divided dose to reduce the local GIT effects. Withdrawal of steroid therapy, taper the dose to reduce, taper karni chahiye agar 5 mg the equivalent aa gayi the patient may be switched if we bath to the short acting agents par phir unko dal dena chahiye. Pehle zyada dose hai to usko ek to divide karke deni chahiye. Dusra uski tapering karni chahiye jab hata rahe hain usko. अच्छा पोटेंसी हाई होनी चाहिए. इंटरमीडिएट एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अलाउ फॉर मोर फ्लेक्सिबल कॉजेस लेसर सप्रेशन ऑफ एचपीए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस की कम सप्रेशन करें. इंटरमीडिएटली एक्टिंग प्रेफरेबल ओरल थेरेपी देनी चाहिए. ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैव अ हाफ लाइफ इनकी लिखी हुई आर अवेलेबल इन नंबर ऑफ डोजेज फॉर्म्स. एक्सक्यूज मी इनहिबिटर्स ये सारे वो इनहिबिटर्स हैं जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के काम को इनहिबिट करते हैं. और कुशिंग सिंड्रोम में देनी चाहिए. कुशिंग सिंड्रोम होता है जब बहुत ज्यादा जो हार्मोन एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहे हो. एडिसन्स डिजीज इनसफिशियंसीज होती हैं जब हार्मोन्स एक्सेस बहुत कम प्रोड्यूस हो रहे हैं और कुशन सिंड्रोम में जब ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो ये सारी वो ड्रग्स हैं स्पायरोनोलैक्टोन्स एल्डोस्टोन एंटागोनिस्ट. जब ज्यादा एल्डोस्टोन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसका एंटागोनिस्ट यूज करें. कीटाकोनाजोल जो है ये फंगल इन्फेक्शन में देते हैं. ये सारे इनका इनहिबिटर्स हैं ये याद रखना है. कौन सा किस में ये याद रख लीजिएगा. जैसे मिथाइलापोन है ये जो है ये 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज है जो कुशिंग सिंड्रोम में देते हैं. उसके अलावा अमाइनो ग्लूटाथियमाइड है ये मेडिकली एड्रिनल लेक्टमी में देते हैं ब्रेस्ट कैंसर. स्टॉप्स कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो कोलेस्ट्रॉल शुरू में इसका मेजर प्रिकर्सर था उसको प्रीजेनी लोन में नहीं बनने देता. बस ये सारे याद रख लीजिएगा. अब ये अगर स्लाइड दोबारा कर लेंगे इसको टाइम हो गया आपके टेस्ट का. एनी क्वेश्चन मैम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अभी टाइम नहीं. आप लोग उसमें एलएमएस पे लॉगिन हो गुड लक. और उसमें जो मैं इस यहीं पर हूँ आप लोग पूछ लीजिएगा. वैसे स्टार्ट कर दे 6 बजे वो उसका हो जाएगा. मैम 6:20 पे डिसअपीयर होगा ना क्विज. आवाज बहुत थोड़ी आ रही है आपकी.
मैम जी मैम वो मेरे तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा जिस पे क्लिक करना है। हाँ उसके ऑप्शन कोई भी ऑप्शन नहीं आ रही उसमें। नहीं मैम कोई भी क्लिक हो ही नहीं रहा। उसका ये नहीं, उसे तो बबल को क्लिक करें या उसकी ABC जो ऑप्शन है उसको क्लिक करें जो आंसर है, या फिर जो ऑप्शन है फिनिश। मैम वो जो व्हाइट से गोल गोल होते हैं ना वो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। गोल गोल अगर नहीं आ रहा उसके साथ ABC आ रहा होगा, तो जो सही ऑप्शन है उसको क्लिक करें। अगर वो भी नहीं हो रहा तो फिर जो आंसर एग्जैक्ट है ना उसको क्लिक करें। ओके मैम 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 जी। कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हो रहा क्विज में। उसको और जो आंसर है उसके ऊपर सिलेक्ट करके देखें क्लिक, अगर ऑप्शंस नहीं आ रही है वो नहीं हो रही तो उसके डायरेक्ट आंसर के ऊपर क्लिक करें। मैम वो क्लिक किया नहीं हो रहा, फर्स्ट दोबारा करके वाला देखिए नहीं हो। क्लिक उसको। मैम मेरा भी यही इशू आ रहा है, मेरा भी सिलेक्ट नहीं हो रहा ऑप्शन, मैम उसके सिलेक्ट आंसर बिल्कुल के नहीं ऊपर हो रहा, अगर करे आगे नहीं। भी करते हैं तो पता नहीं चलता कि हमने कोई कर लिया कि नहीं किया, ये बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा। मैम फर्स्ट वाला भी ऐसे हुए, उसको तो मैंने पास आउट कर दिया, लेकिन मैंने कहा शायद उसमें प्रॉब्लम होगा, लेकिन सेकंड वाला भी ऐसे ही है। क्या बबल्स नहीं बने आ रहे या ऑप्शंस नहीं सिलेक्ट हो रही? मैम मैम वो बबल्स और यस ऑप्शन भी बबल्स नहीं सिलेक्ट आ नहीं रहे, हो रहा। बबल्स नहीं आ रहे बबल्स अगर मैम, नहीं है रुकिए तो ABC को क्लिक करें जो करेक्ट आंसर है, अगर वो भी नहीं है तो जो ऑप्शन है आंसर करेक्ट है उसको क्लिक करें उसके ऊपर जाकर। मैम मेरा भी कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा, कोई ऑप्शन भी। अच्छा फिर आप लोग कैसे करें, जल्दी से एक पेपर पर लिखकर फॉर्म मुझे वो व्हाट्सएप कर दें। क्या करना है मैम? सॉरी मैम, बताइएगा क्या कहा आपने? दोबारा आप ना ऑप्शंस जो आंसर आपको सही लग रहा है ना थोड़ा सा क्वेश्चन लिखकर स्टेटमेंट थोड़ी सी लिखकर उसको व्हाट्सएप कर दें जो ओके ऑप्शंस मैम, नहीं आ रही, तो साथ अपना ओके मैम, नाम वगैरह लिख दीजिएगा, सेक्शन लिख दीजिएगा।
अस्सलाम वालेकुम मैम, मैम जी बोले मैम, वो जो करेक्ट आंसर है, दो तीन एमसीक्यूज ऐसे हैं जिनके करेक्ट आंसर वो हैं लेकिन उनका ऑप्शन शो नहीं हो रहा, मतलब टेक्निकल एरर है। मैम मेरा एक सवाल का जवाब मैम, उसमें दो के ऑप्शन के अंदर वो आ रहा है बबल और बाकी दो में नहीं आ रहा जो राइट आंसर है। मैम नहीं आ रहा उसमें, ऑप्शंस नहीं आ रही आपकी। यस मैम, राइट ऑप्शन में बबल नहीं आ रहा, मतलब जो राइट ऑप्शन है उसका बबल ही नहीं आ रहा। यस मैम, मेरा भी यही इशू आ रहा है, जो राइट है उसमें बबल नहीं आ रहा। क्यों आ रहा है सर? तो मैंने पहले भी कहा था। अच्छा आप ऐसा करें कि ऑप्शन अगर आते हैं उनके आंसर तो लिखकर भेज दें या अपना नाम वगैरह लिखकर भेज दें। मैं आपको नाम लिखकर भेज दूंगा। अगर ऑप्शन क्लिक नहीं हो रही जी मैम, ठीक है मैं भेज देता हूँ। अगर ऑप्शन क्लिक नहीं हो रही तो वो पेपर पर आंसर लिखकर भेज दें, व्हाट्सएप कर दें। ओके मैम, मैं आपको स्क्रीनशॉट चाहे भेज देता हूँ, उसका आंसर लिख।
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम। मैं इशू ये आ रहा है कि वो अपना बबल जो है वो तो सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो मैम वो ऊपर जो आपने कहा था कि वो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें, तो वो टेक्स्ट को मैम सिलेक्ट किस तरह, मतलब मैम वो उसको सिलेक्ट करके वो उस तरह मतलब के वो कुछ आप ऐसा करें इसकी ना थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट लिखकर स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी लिखते हैं ताकि मुझे पता चले। एक्सक्यूज मी मैम, करेक्ट आंसर लिखकर देते हैं किसी को पेज पर। मैम वो करेक्ट आंसर लिखकर पेज पर किधर मतलब के अपलोड करने हैं? व्हाट्सएप कर दें मुझे। एक्सक्यूज मी मैम, नाम लिखकर सेक्शन लिखकर। मैम जो मुझसे ऑप्शन जो नहीं लिखे हुए थे मतलब वहाँ पे वो क्लिक नहीं हो रहा था मुझसे। आपके ऑप्शन भी नहीं आ रहे? जी मैम नहीं आ रहे मेरे पास ऑप्शन, लेकिन मैम मैंने ना वो कर दिया है मतलब सबमिट करा दिया मेरे मतलब वो जो ऑप्शन छूट गया उनका मैं क्या करूँ फिर? मैम मोहम्मद यूसुफ उमर। मैम मेरे तो चार ऑप्शन नहीं आ रहे, मतलब ए बी सी डी कोई भी नहीं आ रहा, तो ऐसे गुजरे मेरे दो तीन। तो मैम मैं उसका मैंने मैं वो स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने मैम उसका, मैं फिर आपको फिर करके दे दूं अभी व्हाट्सएप पे। जैसे भी जल्दी टाइम खत्म होने वाला है। ओके मैम मैं अभी दिन टाइम देता हूं आपको। मैम मेरे एक एमसीक्यूज का बबल नहीं शो हो रहा, उसको आप पेपर पर लिखकर अपने नाम के साथ मुझे उसको सेंड कर दें। मैम ईमेल पे मैसेज व्हाट्सएप कर दें, चेक करूंगी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम मैंने ना क्विज दिया अभी तो तीन एमसीक्यूज थे उनके ना बबल्स नहीं शो हो रहे थे जो सही आंसर थे, तो मैंने उस पे लाइन पे क्लिक भी किया लेकिन वो आंसर जो है वो हुआ ही नहीं है सिलेक्ट, और उसकी वजह से मेरे मार्क्स। स्क्रीनशॉट लें और जो करेक्ट आंसर है वो मुझे भेज दें। स्क्रीनशॉट लिया है, दो एमसीक्यूज का मैंने ले लिया था और एक का नहीं लिया गया क्योंकि बैक का ऑप्शन ही नहीं था। चले फिर आप लिख कर उसको भेज दें। मैम मेरा है, मेरे भी दो एमसीक्यूज ऐसे रह गए हैं। मैम मेरे भी ऐसे रहे हैं। लिखकर या तो उसके स्क्रीनशॉट के साथ उसका आंसर लिखकर भेज दें या फिर व्हाट्सएप कर दें मुझे पेपर पर लिखकर। ओके मैम हम लोग व्हाट्सएप कर देते हैं। मैम मेरा भी ऐसा हुआ, मैं भी कर दूं?
हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम जी। मैम एक ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहा मैम, उसकी क्या चीज क्लिक के ऑप्शन ही नहीं आ रहा टाइम उसको आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज दें। मैम एक एमसीक्यू मैम सेलेक्ट ही नहीं हो रहा, आंसर को व्हाट्सएप कर देंगे आपको। मैम मैंने सबमिट करवा दिया, ऑप्शन आता है मुझे मैम जो एक रह गया वो क्या उसमें क्या ऑप्शन नहीं आ रहा था। मैम ऑप्शन आ रहा था पर सिलेक्ट नहीं हो रहा था, उसका बबल नहीं फिल हो रहा था मैम। चलो जो आपको स्टेटमेंट थोड़ी सी याद है तो वो लिखकर एक पेज पर ना मुझे सेंड कर दें। चलें ठीक है मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरा 7 एमसीक्यूज है ना जो वो रह गया है, उसमें मैंने क्लिक किया लेकिन क्लियर माय चॉइस नीचे लिखा हुआ आ रहा था, मैंने उसे भी सिलेक्ट किया लेकिन वो जो है ना हुआ नहीं, नॉट आंसर आया, क्विज बाकी हो गया वो रह गए, उसके ऊपर वो क्लिक ही नहीं हो रहा नहीं था। सॉरी मैम कितने क्वेश्चंस हैं जो इस तरह हुए? मैम एक 7 वाला उसका आप शो आप मुझे ना आंसर लिखकर भेज दें व्हाट्सएप पर, मेल कर दूं मैम उसकी आंसर स्टेटमेंट लिखकर ना थोड़ी सी अगर याद है उसका आंसर लिख दें। चलें ठीक है मैम। एक्सक्यूज मी मैम जी, मैम आप रिव्यू कब पोस्ट करेंगी? मैम मेल करनी है ना आपको, जिनके कोई मसला आ रहा है जिनके कोई ऑप्शन नहीं आ रही है या बबल पे क्लिक नहीं हुआ और दूसरे ऑप्शन पे भी क्लिक नहीं हुआ वो अपने फिर व्हाट्सएप कर दें, फिर मैं उसको डिस्कस करके फिर आपको कोई उसका हल बता दूंगी। एक्सक्यूज मी मैम मेल करनी है आपको? ये इस पे व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप कर दूं? चलें ठीक है मैम। Excuse me, ma'am. जी मैम मैंने सेंड कर दिया आपको मोहम्मद यूसुफ उमर के नाम से, सेंड कर दिया जी मैम, मैंने आपको भेज दिया जो रह गया था ना मुझसे ऑप्शंस वगैरह, मैंने आपको व्हाट्सएप भेज दिया मैंने। टाइम ओवर हो गया उसका, चलो मैं भी यहाँ से लीव कर रही हूँ, आपको रिपोर्ट बता देंगे जो